अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। ये मेरे पास टोनर कार्टेज है, ये आ गई 85A 85A। ठीक है, ये देखें, ये कैमरा ऑन हो गया। ठीक है, इसके इसका आज हम ड्रम भी चेंज करेंगे और इसको हम ज़रा साफ़ भी करेंगे प्रॉपर। तो चलें, वक्त ज़ाया करने से पहले इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये काम बहुत आसान है, ड्रम मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो 85 ये जो सेंसर होता है, ये चूँकि ट्यूज़र से होता है, मैं ट्यूज़र ले कर आ ये मेरे हाथ में ट्यूज़र है। इसको आपने बहुत एहतियात से उतारना है, लेकिन मैं आपको एक और टेक्निक बता देता हूँ, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। आपने सबसे पहले इस साइड के दो पेच ओपन करने हैं, ये वाले। पहले हम इस ड्रम को एक साइड पे रख देते हैं और पहले आप एक पेच ये वाला ओपन करें, बहुत आसान है। इसको साइड पे रखें और आराम से ये जो स्प्रिंग लगा होता है ना, ये इसके ऊपर हाथ रखकर आराम से इसको बाहर निकाल लें ताकि ये उड़े नहीं। उड़ गया तो फिर अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं पड़ा हुआ तो आपके लिए मसला होगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई, इसको हम एक साइड पर रख देंगे। उसके बाद ये इजीली आप हल्का सा क्लिक करें, ये देखें ऐसे ये लॉक ओपन हो गए। ठीक है, इसको आप एक साइड पे रखें और ये हमारा ड्रम है, इसका हम ड्रम को चेंज करेंगे। पुराने वाले को हम निकाल लेते हैं आराम से, एक साइड पे इसको रख देते हैं। इसका ये आप उतारें, इसको आप एक साइड पे रखें। थोड़ा सा आपने काम अभी करना क्या, नया ड्रम लगाने से पहले आपने एक दफ़ा क्लीनिंग ब्लेड साफ़ कर लेना है। इजिली इस क्लीनिंग ब्लेड आप पेच ओपन करें, और इसको ऊपर उठा लें। अगर ये आपके हाथ में ग्रिप नहीं हो रहा, जैसे अभी नहीं हो रहा है, तो इसको आप हाथ में पकड़ें, दूसरे हाथ से आप नोज प्लास के ज़रिए इसको आराम आराम से बाहर निकालें। ये हमारे पास आ गया, इसको आप एक साइड पर रखें और ये आ गया। इसको मैं साफ़ करता हूँ, इसको ब्लोर लगाता हूँ, सफाई करें आप इसकी, फिर उसके बाद क्लीनिंग ब्लेड को साफ़ करेंगे। अभी आप देखें, ये मैंने साफ़ कर दिया, इसको मैं एक साइड पे रखता हूँ। क्लीनिंग ब्लेड मेरे हाथ में है, इसको मैं पकड़ के इसको भी साफ़ कर लेता हूँ। साफ़ से कपड़े से कीजिएगा, गंदा कपड़ा हुआ तो आपका क्लीनिंग ब्लेड ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल आराम आराम से करें। जब आपका क्लीनिंग ब्लेड साफ हो जाए, आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लगा दें। अगर आप कपड़ा लें, दोबारा आराम से इसकी सफाई करें। इसको एक साइड पे रखें, रूलर लें, इसको साफ से कपड़े से आप साफ कर लें। ये चीज इसको आराम से ऊपर रख कर, ये देखें ये वे बना हुए हैं, क्लिक करेंगे। इस साइड से भी आप क्लिक कर दें,
ये बीच में आराम से बैठ जाएगा। जोर आपने नहीं लगाना है, नीचे से ऊपर करेंगे, अगर बाहर नहीं निकल रहा तो ये आपका आराम से बैठ गया है, ठीक हो गया। अब हम ड्रम लगाने से पहले एक दफ़ा इसको देखेंगे। आप इसको हाथ में पकड़ें और इसको आराम आराम से घुमाएं और चेक करें कि यह प्रॉपर चल रही है। अगर ये प्रॉपर चल रही है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। इस रूलर मैग्नेट रूलर को छोड़कर, क्योंकि ये रीफिल है, हम इसको नहीं ओपन करेंगे, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगा। ये चूँकि रीफिल है, इसको आप आराम से साफ कर लें। ये हमारा साफ हो गया। अब हम नया ड्राम ओपन करेंगे। ये देखिए बिल्कुल कैसा शाइनिंग कर रहा है। इसको आप इसके ऊपर लगा दें। ये चीज क्योंकि जो पुराना है, ये पुराने वाला है, इसको मैं साफ करके जो मेरा रिसाइकल बिन है उसमें रख लेंगे। ऐसे आप इसको सेव कर लें। ये अब हमारा काम हो गया, इनको हम थोड़ा साइड पे रखेंगे और जैसे हमने इसको लगाया था वैसे ही हम इसको दोबारा एडजस्ट करेंगे बीच में। बिल्कुल आराम से आपने करना है ये काम, कोई ज़ोर नहीं लगाना। आप इस साइड से, आप ये वाला सुराख है इसमें, उस वेव का मुंह देख लीजिएगा। जब बीच में आ जाए तो जो नीचे आपके हाथ है इसे आपने आराम से ऊपर करना है। तो ये देखें, ये देखें वो दूसरा वेव इसके अंदर आ गया। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इस साइड वाली है, इस साइड को अब हमने एडजस्ट करना है। इसको आप आराम से ड्रम में बिठाएं। इस तरह आराम से, जोर किसी चीज़ पर भी आपने नहीं लगाना। जोर लगाएंगे चीज़ डैमेज हो जाएगी, नुकसान होगा आपका। अच्छा, इसमें फाइनली हमारा स्प्रिंग रह गया था। स्प्रिंग को आपने, ये स्प्रिंग है, इसको आपने यहाँ से पकड़ लेना है और ऊपर उठा लेना है। ये ऐसे दूसरा हाथ आपने स्प्रिंग में रखना है, अगर निकल भी जाए तो आपकी ग्रिप में हो। आप दोबारा इसको लगाकर एडजस्ट करें। देखें अगर चारों साइडों से इजीली ये एडजस्ट हो गया है तो फिर आप ये देखें, ये आप ये लग जाए। इसका आप पेच लगा दें।
बस ये इतना काम था। अब थोड़ा सा आप इसे दो उंगलियां कार्टेज को हाथ में रखें, ठीक है, जो शहादत वाली उंगली होती है, इससे आप इसका कवर बैक साइड पे करें और इस तरह ड्रम को थोड़ा सा घुमाएं। ये देखें, अगर ड्रम घूम रहा है प्रॉपर तो इसका ये मतलब है कि ये अपनी जगह पे तकरीबन एडजस्ट हो गया है। ये चीज़ इसको हम कपड़े से साफ करेंगे। मेरे पास कपड़ा बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, मैं डेली इनको वॉश करता हूँ। ये किट हमारी 85A की ड्रम न्यू ड्रम के साथ तैयार हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।